नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखेंगे दोस्तों हिंड कपर के शेयर में 13 अक्टूबर के लिए क्या क्या लेवल से टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हो हिंड कपर का हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। ओवरली स्टॉक आपको क्लियर लेकर डाउन ट्रेंड में कंटिन्यू करता देखने को मिल रहा था, फिर इसका ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट होने के बाद अब देखेंगे स्टॉक आपको यहाँ से एक अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे तो स्टॉक अपना प्रीवियस का जो रेजिस्टेंस लाइन था उसको भी ब्रेकआउट दिया है शानदार तेजी के साथ में। अभी कंडीशन के हिसाब से अगर हम टारगेट की बात करें, टारगेट दोस्तों यहाँ पे 194 है, 195 में देखने को मिलने वाला है और स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाने की अभी संभावना है। राइट दोस्तों, हिंड कपर के शेयर में अगर बात करें कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या क्या लेवल से क्या क्या टारगेट में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, तो आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों ये रहेगा रेजिस्टेंस लाइन जो कि 158 में है। सपोर्ट लाइन की बात करें, सपोर्ट लाइन देखने को मिलेगा 156 में और एक सपोर्ट लाइन रहेगा 153.5 में। दोस्तों वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज से बनाया गया है, स्टॉक में बाय सेल और होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। सो धन्यवाद दोस्तों।